चौधरी जिसको एंटर करवाया था, बड़ी शानदार बॉल। मुंबई को नेक्स्ट पल्ले नहीं, ये है हसन, उठाकर पर कैच आया हसन की, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग, मैच का पासा बदल के रख दिया है हसन ने। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कहां तक लेके जाएंगे झूठा बल्ले को, देखो मुंबई को नेक्स्ट पल्ले नहीं पड़ा है, सिंगल आ जाएगा, एक रन आ जाएगा, जरा जरा इसी गेंदबाजी का फिर से जा रही है सामना है हसन बाटे का, फिर से शमी मुराला चिंगा लाला आउट हो जाएंगे यहाँ पर, विकेट नंबर फर्स्ट है हसन भाई, हसन भट्ट टीम बिना सूफी दीना टीम है जनाब, जिसको एंटर करवाया था, बड़ी शानदार बहुत कमाल की डिलीवरी, टच करने में कामयाब हो गए जनाब, यूएई के चेंज ऑफ पेस, उठाकर पर कैच आया अमर और काफी बड़ा विकेट, ये है हसन, वेल डन हसन, इसी के लिए हसन को हसन गावर बचा के रखा था आदम आदि ने, हसन 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 और वहां पर सेंटर मौजूद है, हसन को खेलना बहुत मुश्किल है, टॉम ब्रैक बल्लेबाज है, गेंदबाज है हसन, बॉल हसन के बाकी है, हसन दौड़े अंपायर को ग्रासिया और उठाकर मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है और हसन ने अपने काम कर दिया था लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दिया, अगर यहां पर हसन इनको आउट करते तो बिल्ला को सोचना पड़ना था, मैंने स्ट्राइक क्यों नहीं चेंज किया, पकड़ना आसान नहीं होता लेकिन ये तो वो जूसी कैच था, कैच ड्रॉप हुआ, उठाकर मारा जाते थे लेकिन नहीं, ये है हसन, हसन स्ट्राइक नहीं चेंज किया था लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमें शायद मैं स्ट्राइक अब चेंज कर लेते तो ये दो बाल भी जाया ना होते, बल्लू का मुंह बंद कर रखा है हसन भाई ने इस वक्त, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही बैट्समैन को किस तरह हसन को खेला जाए, व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग यंग मैन, बारू और जेलम के कप्तान जो है वो जी आ जाए, बारू और जेलम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, टास्क करवाई जाए, हसन की बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग, मैच का पासा बदल के रख दिया है हसन ने, ये है हसन, फिर की बिल्कुल भी समझ नहीं आई मंडी के बैट्समैन को कि हसन को कैसे डील करें।